हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अस्तर वाला ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम कटिंग अस्तर पे करेंगे। अस्तर पे कटिंग करने के लिए हमें उसको फोल्ड करना होगा। फोल्ड हम चौड़ाई के तरफ से करेंगे ताकि हमें चौड़ाई कम ना पड़े। ये हमारा ब्लाउज का अस्तर फोल्ड होके तैयार है। इसमें चार लेयर हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लाउज की लेंथ 14 ली है, 14 पे मार्क कर देंगे। ना हमें ब्लाउज की लेंथ चाहिए होती है, उसमें हम +1 करके लेंथ लेते हैं, जो हमारा मार्जिन होता है जिसमें हम कटिंग और स्टिचिंग लेते हैं। मुझे ब्लाउज की लेंथ 13 चाहिए थी तो मैंने 14 ली थी। 14 पे मार्क करके मैंने स्केल से लाइनिंग कर दी है। अब मैंने शोल्डर लिया है। शोल्डर यहाँ मैंने 6 इंच लिया है। उसके बाद मुड्डा मैं 5.5 ले रही हूँ। इन दोनों को आपस में मिला दूँगी। उसमें हमें जितना चेस्ट बनाना होता है उसका 4th भाग +2 लेते हैं। यहाँ पे मैंने 11 लिया है, 11 पे मार्क कर दिया है। अब मुड्डा और चेस्ट को मिला देंगे। अब जितने हमारे ब्लाउज की लेंथ है उस पर हम कमर का 4th भाग +2 करके मार्क कर देंगे। यहाँ हमारा 10.5 आ रहा, 10.5 पर मैंने मार्क कर दिया। अब मैं चेस्ट और कमर को एक दूसरे से मिला दूंगी। मुड्डा के साइड से अब बाजू बनाएंगे। इसमें हमें फ्रंट के लिए 1 और बैक के लिए 1.5 की ज़रूरत होती है। मार्क करके दोनों को गोलाई शेप में मिला देते हैं। अब हम गला बनाएंगे। गला के लिए हमें 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और गहराइयाँ मुझे 6 लेनी थी, मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसको आपको जो शेप देना है, यहाँ मैं गोलाई शेप दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। ये मैं बेल्ट वाला ब्लाउज बना रही हूँ। इसके अलावा हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट हमें गले के साइड से 3 और किनारे के साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसको हल्का गोलाई शेप देते हुए मिला देंगे एक दूसरे को। ये हमारा थोड़ा तिरछा शेप में आएगा। मैं ऊपर की तरफ से हम 1/2 इंच पे मार्जिन लेके इसको मिलाएंगे और कटिंग भी हम उसी पे करेंगे। ये मार्जिन हमारा सिलाई में आ जाता है। मैंने लंबाई चेक की, ये हमारी लंबाई सही आ रही है। अब ब्लाउज में फिटिंग के लिए हमें टक्स डालना है, जिसके लिए हम गले के तरफ से 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 के बाद हमें लंबाई भी इसमें 3 ही लेनी है। अब किनारे के साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें हमें तिरछा करके 5 इंच पे मार्क करना है और मिला देना है। मुड्डे के साइड से 3 इंच पे मार्क करना है, लेकिन जो हमें ये मार्क करना है ये तिरछा रहना चाहिए। यहाँ मैंने मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही मार्किंग हमें ब्लाउज के दूसरे साइड पे भी करके कटिंग करनी है। पहले तो आगे और पीछे के पार्ट को अलग कर लेंगे ऊपर से कट करके। फ्रंट वाले में अब हम गला की कटिंग कर देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच कट किया था पीछे वाले ही, आगे में वो कम होता है, उसकी कटिंग करके उसको निकाल देते हैं। अब हम फ्रंट के पार्ट से बेल्ट को अलग कर लेते हैं। हमारा आगे का भाग तैयार हो गया है। देखिए इसमें जो टक्स दिख रहे हैं, दोनों तरफ हमारे टक्स पड़ेंगे। अब हम बेल्ट को भी 2 भागों में कर लेते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम पीछे की कटिंग करते हैं। पीछे के भाग की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले गला को कट करेंगे। इसको पहले प्रॉपर तरीके से सेट कर लेते हैं। अब हम गला चौड़ाई में 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। यहाँ मैं इसकी लंबाई 10 इंच ले रही हूँ, 10 इंच पर मार्क कर दूँगी। इसी पे मैं थोड़ा गोल शेप दूंगी। जो गोल शेप हमारा आएगा वो थोड़ा बाहर से होके आएगा, ताकि हमारे गले की चौड़ाई और लंबाई दोनों ही ज़्यादा दिखे।
पीछे के पार्ट को चार भागों में डिवाइड करके वहाँ पे किनारे पे मार्क कर देंगे। वहाँ पे हमारा टक्स होता है, इसलिए जो हमारी टक्स की लंबाई होती है वो चार होती है, चार पे मार्क कर दिए। यहाँ हमारा पीछे के साइड टक्स पड़ता है। हम गले को डिजाइन देंगे, इसके लिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है। वहाँ से ऊपर से हम पहले एक इंच छोड़ देंगे, उसके बाद हम गले को डिज़ाइन देंगे। ये गोल शेप में कुछ ऐसे डिज़ाइन देना है, ढक्कन से ऐसे ही हम मार्क कर लेंगे। आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह बनता रहेगा गोल गोल करके, इससे आपके ब्लाउज का लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। ब्लाउज में हुक पट्टी पीछे की ओर बनाना, तो इसको पहले पीछे को दो भागों में कट कर देंगे। मैंने ब्लाउज का पीछे वाला नीचे वाला तो भी कट कर लिया है। इन गले की कटिंग हम ब्लाउज के अस्तर और ब्लाउज के कपड़े दोनों को एक साथ रख के करेंगे, ताकि हमारा गला पीछे का बहुत ही अच्छा बने। ब्लाउज के कपड़े पे अस्तर को रख लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से रखेंगे। कपड़ा नीचे का बिल्कुल प्रेस की तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिकुड़ा हो, इससे हमारे गले में फिनिशिंग नहीं आएगी और लूज आ सकता है। इसको हम प्रॉपर तरीके से रख लेंगे। पहले हम नीचे की कटिंग कर देंगे, ये हमारा नीचे थोड़ा बराबर आ जाए, जो देखने में थोड़ा सुंदर लगे। किनारे के साइड से जो हमारा बाजू का साइड होता है उधर से मैंने कटिंग कर ली है। देखिए कटिंग होके तैयार हो गई है। आगे के साइड से भी मैंने कटिंग कर ली है। इसको हमारा अस्तर और कपड़ा कट के तैयार हो गया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग ऐसे हम करेंगे तो क्या हमारा गला इधर उधर हो सकता है कपड़ा सरकने की वजह से, जो हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ गला कट नहीं होगा। इसके लिए हमें कपड़े को और अस्तर को फिक्स करना होगा एक दूसरे से पिन के माध्यम से। ये हमारा प्रॉपर तरीके से सिक्योर हो चुका है। अब हम गले की कटिंग करेंगे, इससे हमारा गला काफ़ी सुंदर बनेगा और फिनिशिंग भी रहेगी, डिज़ाइन पता चलेगा इसमें अच्छे से। बैक साइड का गला बनके तैयार हो गया है। पीछे की कटिंग हो चुकी है, अब हमें आगे के कपड़े और अस्तर की कटिंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम अस्तर लेंगे, अस्तर को फोल्ड ही रखेंगे, फिर हम कपड़ा लेंगे उस पर अस्तर को रख के उसकी कटिंग करेंगे। और ऐसे हमें बेल्ट के साथ भी करना है, बेल्ट को भी कपड़े पे रख के ही कटिंग करते हैं। मैं आगे के पार्ट को कटिंग कर रही हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आर्ट डिज़ाइनर ड्रेसों के वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर सकूँ। कटिंग हमें पिन से सिक्योर करने के बाद ही करनी है, ताकि हमारी कटिंग फिनिशिंग के साथ हो। आगे का पार्ट पीछे का पार्ट बनके तैयार हो गया। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। कटिंग पूरी हो चुकी है, बेल्ट और आगे का पार्ट और ये हमारा पीछे का पार्ट। अब हम सिलाई करते हैं। सिलाई के लिए सबसे पहले हम पीछे का गला बनाते हैं। जो हमने डिज़ाइन बनाया था उस पर हमें मशीन चलाना है किनारे किनारे प्रॉपर तरीके से।
आप देख सकते हैं गला बनाने में थोड़ा टाइम आएगा क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर तरीके से गले को बनाना है। हमारे गले के पीछे का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। सेम हमें दोनों पार्ट में यही प्रोसेस करना है। यहाँ मैंने दोनों ही पार्ट को सिलाई कर लिया है, अब हमें इसको फोल्ड करना है। हम अंदर की साइड की ओर से करते हैं, ये देखिए आप ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड को ऐसे उल्टा करके, जिससे हमारे गले पे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। करने के बाद हमारा गला कुछ ऐसे ही बना, ऐसे ही दोनों पे हम किनारे किनारे पतली सिलाई कर देंगे। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। ये सिलाई करके मैंने तैयार कर लिया, दोनों ही पार्ट में मैंने सिलाई कर ली है। आप देख सकते हैं अभी से कितना सुंदर लग रहा बिना बनाए। अब हमें अस्तर और कपड़े को बड़े सिलाई के धागे से सिलाई कर देना है, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो और कहीं से भी सिलाई के दौरान कहीं से भी लूज ना हो। कोई भी कपड़ा बनाते हो जो आप अस्तर के साथ बनाते हो, उसमें ये प्रोसेस होना ही बहुत ज़रूरी है। कपड़े को अस्तर से मैंने सिलाई कर दी है। अब हम आगे का पार्ट बनाएंगे। आगे का पार्ट का प्रोसेस भी सेम होगा जैसे हमने पीछे का गला बनाया था। बनाने के बाद इसमें हमें टक्स पे काम करना है। टक्स के लिए हमें जो हमारा सबसे नीचे वाला टक्स है उस पर आधे इंच पे मार्जिन, आधे इंच की मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। और जो दोनों टक्स हैं उसमें हम केवल जो हमारा फुट पीटर होता है, बस फुट पीटर का एक भाग को लेके सिलाई करते हैं। जैसे हमारा ये भाग है जिसको हम आधे इंच लेते हैं, जो हमारा ये साइड वाला है इसमें हम एक फुट पीटर की ही चौड़ाई लेते हैं। उसमें जितने भी टैक्स हैं सबको सेम प्रोसेस से करेंगे। बनाने के लिए हमें बेल्ट का अस्तर और कपड़े को एक दूसरे से बड़ी धागे वाले सिलाई से सिलाई कर देंगे, जिससे हमारा एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से अटैच हो जाए। बेल्ट का कपड़ा और अस्तर सिलने के बाद हमें बेल्ट, दोनों बेल्ट को एक दूसरे से जोड़ देना है। इसमें जो हम जोड़ते हैं वो हमारा जो हमने तीन तीन लेंथ ली थी उसकी तरफ से जोड़ते हैं। ये मैंने देखिए जोड़ के तैयार कर दिया, ये हमारा बेल्ट बनके तैयार हो चुका है। अब हम बेल्ट को ब्लाउज के आगे वाले पार्ट से नीचे की ओर जोड़ देंगे। इसमें हम सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। ये हमारा पीछे का ब्लाउज है, इसमें टक्स डाल दिया था जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। ये हमारा टक्स पड़ चुके हैं, अभी हमारा पीछे का पार्ट तैयार होगा, ये हमारा आगे का पार्ट होगा, इसमें पूरे टक्स पड़े। अब हमें शोल्डर दोनों के जॉइंट कर देने हैं। जॉइंट करने के बाद हमें हुक पट्टी पे कपड़े लगा के हुक पट्टी बनानी है। देख सकते हैं मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया और हुक पट्टी वाला हुक पट्टी भी बना लिया है। ब्लाउज में हमें मुड्ढा नापना है कि हमें स्लीव कितने की बनानी है। ये मैं नाप रही हूँ, यहाँ मेरा कुछ 19 आ रहा है। स्लीव की जो हमें चौड़ाई लेनी है वो हमें 19 का आधा लेना है, क्योंकि हमारे ये टू लेयर में फोल्ड होते हैं और आगे पीछे मिला के चार लेयर हो जाते हैं। 19 का आधा लेके मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ मैं थोड़ा फ्रॉक टाइप स्लीव बना रही हूँ, तो इसमें हमें क्या लेंथ, इसमें मेरे ज़्यादा कपड़े बचे नहीं, उसके हिसाब से मैं लेंथ ले रही हूँ।
यहाँ मैंने 3 लेके मार्क कर दिया है। और मैं इसको जब कट करूँगी उसके बाद मैं किनारे इस पर पीको करूँगी। आप लेंथ की लंबाई ज़्यादा रख के फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हो, नॉर्मल सिलाई भी चलवा सकते हो और पीको भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप जैसा आपको पसंद है वैसा कर सकते हैं। ये हमारी स्लिप की कटिंग होके तैयार हो गई है। अब हम ब्लाउज में स्लिप को ऐड कर देंगे। ये हमारा स्लिप ऐड होके तैयार हो गया है। अब हमें इसमें सबसे पहले हमें जो हुक पट्टी है उसमें हमें हुक लगाने हैं, पीछे की साइड जो हमारा होता है उसमें। मैंने देखिए इसमें हुक लगाने हैं आपको, ये हुक लग के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमें इसमें फिटिंग डालनी होती है। हमें बेल्ट लगाने से पहले फिटिंग डाल लेते हैं ताकि हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग प्रॉपर तरीके से आए। तो अब हम इसमें अपनी फ़िटिंग के हिसाब से फ़िटिंग डाल लेंगे। ये ब्लाउज़ में मैंने फ़िटिंग कर ली है, ये फ़िटिंग होके तैयार हो गई। अब हमें बेल्ट ज्वाइन करना। बेल्ट के लिए हमें अस्तर का कपड़ा लेना, उसको पतली पट्टी रखनी है। अब उसको हम नीचे के साइड में जो हमारा हुक साइड है उस तरफ से ज्वाइन करते हुए फिर दूसरे हुक साइड में ज्वाइन करते हुए मिला देंगे। ये हमें पूरे राउंड शेप में लेके जाना है जो हमारा बेल्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसकी फोल्डिंग हम अंदर की तरफ करेंगे, इसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं दिखता है। ये हमारा ब्लाउज़ बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें लटकन भी लगाया, आप लटकन भी लगा सकते हो। वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे इतनी देर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।